हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और सभी बच्चों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 39 है और आज की क्लास में बच्चों यकीन करिए आपको आज भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और आपको कुछ पुराना रिवीजन भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, अंत तक बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स ऑट टू एशलेस रियलाइज दैट हार्ड बीशलेस वर्क इज की ऑफ सक्सेस। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एरर वाला दिया जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि किस पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। बताएंगे, गुड फ्रेंड्स ऑट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ तक तो सही है। गुड स्टूडेंट्स ऑट टू रियलाइज सही है, दैट भी कंजक्शन सही है, हार्ड वर्क भी करेक्ट है, इज भी करेक्ट है, की ऑफ सक्सेस आपको मिल गया ना। डी पार्ट में एरर नहीं है, सी पार्ट में एरर है। की ऑफ सक्सेस नहीं, की टू सक्सेस होता है, ठीक है। आप इनफॉर्मल में बोल सकते हैं कि आप सक्सेस, बट की टू सक्सेस होता है। गुड फ्रेंड्स ऑट टू रियलाइज, गुड स्टूडेंट्स ऑट टू रियलाइज दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग कर्तव्य बोध के सेंस में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको की टू सक्सेस होता है। पहले क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, नो वन हियर द न्यूज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड रिजाइंड। यहाँ पर आपको क्या गलती मिल रहा है बताइए, किस पार्ट में एरर है। नो वन हियर द न्यूज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड रिजाइंड। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको मिल जाएगा, फटाफट आंसर करें। मुझे लगता है बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैसे जान पाएंगे आप। देखिए यहाँ पर है ना कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिए होंगे, किए होंगे या कर चुके, ये पास्ट ही बात हो रही है। तो नो वन हर्ड द न्यूज, किसी ने इस न्यूज को नहीं सुना, नो वन हर्ड द न्यूज, ये करेक्ट है कि कोई नहीं ऐसा न्यूज सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। तो यहाँ ए पार्ट में ही एरर मिल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आई हैव मेट ऑल द बॉयज दैट हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल। किस पार्ट में एरर है। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत जो है कंफ्यूज करते हैं, बट आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आगे से शुरू करें तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा। इसमें मिसलेनियस टॉपिक होता है, जैसे अगर नरेशन हो, वॉइस हो, कुछ ऐसा हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन, ये रूल पढ़ लो, क्वेश्चन आता है। बट बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एरर जो है वो ग्रामर के सभी टॉपिक को इंक्लूड करता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। ओवरऑल ग्रामर आप पढ़ेंगे तब एरर डिजेक्शन के क्वेश्चंस आपको इजी लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आई हैव मेट ऑल द बॉयज दैट हैज बीन एडमिटेड। यहाँ पर क्या गलती है, आपको मिला था ना लास्ट क्लास में कि एडमिट के साथ ऑफ कब लगता है, टू कब लगता है। आपको बताया गया था कि जब आप हॉस्पिटल में, हॉस्टल में, स्कूल में, इन सभी चीज़ों में जब आप क्या करते हैं, एडमिट होते हैं तो टू लगता है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं जब एडमिट जो है स्वीकार, गलती स्वीकार करने के सेंस में आता है, आपको याद आया होगा। चलिएगा तो यहाँ पर क्या एरर है, आपको बस स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। कह रहा आई हैव मेट ऑल द बॉयज दैट हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल। मैं उन सभी लड़कों से मिल चुका हूँ, एशलेस दैट हैज बीन एडमिटेड। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि लड़कों की बात हो रही है ना, कि ऑल द बॉयज और दैट उनको संबोधन के लिए लग रहा है। तो जब संबोधन के लिए लग रहा है तो आपको हैज को रिप्लेस हैव से करना होगा,
जब ऑल द बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाएगा, ठीक है। आई हैव मेट ऑल द बॉयज दैट हैव बीन एडमिटेड, ठीक ना, जो लोग भी हॉस्टल में एडमिट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, थर्ड में मिल गया ना, सी पार्ट, थर्ड में आपको बी पार्ट मिरर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, ही इज सच अ मैन, ए स्लैश हु विल नेवर बी स्लैश चीट यू सी स्लैश नो एरर डी। ये भी लास्ट डे के टॉपिक से ही रिलेटेड है और मुझे लगता है आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको सेम सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, बट रूल वही घूमता रहता है, ठीक है। तो ही इज सच अ मैन हु विल नेवर चीट यू, यहाँ पर भी आपको लास्ट डे ये समझाया गया था, आपको याद होगा बच्चों, सच के साथ या तो एज आता है या तो दैट आता है, याद आ गया ना। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिएगा, सच के साथ या तो एज आता है या तो दैट आता है। अब एज कब आता है, तो एज सामान्य सेंस में आता है, दैट तब आता है जब रिजल्ट शो होता है, तो यहाँ आपको एज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ही जिस सच अ मैन, वह उन आदमियों के जैसा है जो कभी नहीं चीट करते हैं तुम्हें, करेंगे तुम्हें, तो वह उन उस आदमी की तरह है जो तुम्हें कभी नहीं चीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो के सेंस में मैन के लिए आ गया है सच अ मैन, यहाँ रिजल्ट नहीं है, ठीक ना, तो एज लग जाएगा। बट कुल मिला जुला करके आपको बी ऑप्शन में ही एरर मिल गया है, एज लगाएं दैट लगाएं, वहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं होता कि रिप्लेस करना है, एरर कंटेन में बस आपको पार्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें, आई वॉज प्लीज्ड बाय, अब आपको फिल इन द ब्लैंक मिल रहा है, शी डिड फॉर अस, ए स्लैश हुज व्हाट और हुम, बताएं। प्लीज के साथ विथ तब लगता है जब पर्सन होता है, और जब आपका पर्सन ना हो तो आपको कोई और चीज हो तो बाय लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं कंफ्यूज होंगे। और ये दिया हुआ क्वेश्चन है तो प्लीज के साथ क्या लगेगा ये आपको हटाना भी नहीं है, तो बताएंगे आई वॉज प्लीज्ड बाई। अब यहाँ पर आपको बाई के बाद कौन सा केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, या किसी नॉन लिविंग को डिफाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शी डिड फॉर अस ना, यानी कि जो कुछ भी उसने किया हमारे लिए, तो जो कुछ भी उसने किया, तो हु का प्रयोग पर्सन के लिए, हुज का प्रयोग पोजेसिव केस के लिए, और हुम का प्रयोग जिसे या जिसको के लिए ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर हम सभी को वॉट करना है, वॉट का मीनिंग है वॉट शी डिड फॉर अस, मतलब जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, व्हाट यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, ही इज द मैन, अब देखिएगा लेग इज डिफेक्टिव, ठीक ना, ही इज द मैन, अब यहाँ पर जिसका का मीनिंग आ रहा है ना, ही इज द मैन जिसका लेग डिफेक्टिव है, तो जिसका का मीनिंग दैट, हूँ, हूम और हूज, कौन सा बच्चा डी ऑप्शन बता रहा है, फटाफट आंसर करें, जो भी बच्चा डी ऑप्शन बताएगा उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। हुज लेग, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं, हुज लेग, जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, जिसका जिसकी, ये चीज आपका पोजेशन के सेंस में आता है, ठीक है, जिसका जिसकी, और हुज इसका करेक्ट आंसर, ही इज द मैन हुज लेग इज डिफेक्टिव। ओके, तो क्वेश्चन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, दिस इज द सेम बुक यू गेव मी, व्हाट यू गेव मी, विच यू गेव मी, दैट यू गेव मी, हुज यू गेव मी, बताएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन, जिनको आप डिटरमिनर में भी रख सकते हैं, बहुत बार पूछता है, वेरियस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक ना। अब चलिए जान लिया जाए, ध्यान करेंगे, जब कभी भी आप लोग आंसर देते रहें, जब कभी भी द सेम और द ओनली का प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा दैट लगता है, ऑल भी लग जाता है, ऑल दैट, है ना, ऑल दैट आपने सुना होगा ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती,
तो इस वाले सेंस में भी दैट लगता है। तो आपने सीखा कि सेंटेंस में अगर द सेम दिया हो, द ओनली दिया हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप बाध्यकारी हो जाते हैं कि आप दैट का ही प्रयोग करें, व्हाट का, विच का और हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि व्हाट भी नॉन लिविंग के लिए आता है, विच भी नॉन लिविंग के लिए आता है, दैट भी लिविंग नॉन लिविंग के लिए आता है। बट आपको ध्यान रखना होगा जब द सेम और द ओनली दिया हो तो आपको हमेशा दैट को ही फॉलो करना है, ठीक ना। याद रहेगा, बिल्कुल सही बच्चों, याद रखिए। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, द सेम द ओनली दैट को फॉलो करता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द कमेटी इज, अब इस इज को आपको चेंज करना है या नहीं करना है तो ऑप्शन के अनुसार काम करना पड़ेगा। द कमेटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। बताइए, कमेटी बट गई और उनके बीच कड़वाहट आ गई, मेंबर्स के बीच में कड़वाहट आ गई। तो आपने एक चीज ध्यान से पढ़ा होगा, नाउन का रूल है जब कभी भी आपको कमेटी मिल जाए, ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग भी ध्यान करिए, एग्जाम में पूछता है COMMITTEE, ओके। तो एग्जाम में कमेटी की स्पेलिंग बार बार पूछा है, ठीक है, और किसी एक एग्जाम में नहीं, अलग अलग एग्जाम में पूछा है। तो कमेटी हो गया, जूरी हो गया, जिसको जूरी भी पढ़ सकते हो, हाउस हो गया, हाउस मतलब वही मेंबर्स का हाउस, हाउस ऑफ मेंबर्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। इसके बाद फैमिली, मॉब, इसको नोट करते चले, फैमिली हो गया, मॉब हो गया, फिर आप आगे बढ़े, टीम हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, ओके, और मिनिस्ट्री हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जब ये अलग अलग को दर्शाते हैं तो इनको प्लूरल, और जब ये एक होकर दर्शाते हैं तो सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक ना। तो अब आपने जान लिया, डिवाइडेड प्लूरल को बता रहा है, मेंबर्स के बीच में कड़वाहट भी अब प्लूरल बता रहा है, तो आपको हर हाल में इस को चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज करना पड़ेगा तो आपको आर को चेंज, आर से जो है चेंज करना होगा, वॉज भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर और नो चेंज इज रिक्वायर्ड भी इनकरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कमेटी प्लूरल हो गया, आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। ये जो बाद वाला इज आ रहा है, ये वाला, ये बिटरनेस के लिए आ रहा है। बिटरनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सिंगुलर है, ओके। तो मुझे लगता है आप बच्चे समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। माय ओल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दीज डेज। अब इस ओल्डेस्ट को चेंज करना है, चेंज भी करना है या नहीं, ऑप्शन देखें, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्ड और नो इम्प्रूवमेंट, बताएं। आपने पढ़ा है ना, आप आंसर करते रहिए, आंसर मैं देख रही हूँ, आप आंसर करते रहें बच्चों। देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है, और ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग है ना, ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। बट ये जब ब्लड रिलेशन ना हो, फ्रेंड सर्कल या ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो, तब आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो एल्डर और एल्डेस्ट आप नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन अगर ना हो, ब्लड रिलेशन हो तो एल्डर एल्डेस्ट करेक्ट है, ओल्डर ओल्डेस्ट ब्लड रिलेशन में नहीं करेंगे, अदरवाइज यू कैन यूज, ओके। एल्डर, अब देखिए, ओल्ड होता है ना, ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर दो बनता है, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट बनता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पता चल गया, मेरी बहन तो मेरा रक्त संबंध है उससे, तो इसलिए यहाँ पर आप ओल्डेस्ट नहीं करेक्ट करेंगे, यू विल हैव टू यूज एल्डेस्ट इन प्लेस ऑफ ओल्डेस्ट, ओके, बिकॉज ब्लड रिलेशन है, ठीक ना। तो एल्डेस्ट करेक्ट होगा, ओल्डेस्ट नहीं। माई सिस्टर मेरी बहन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10th देखें, आगे ही आपको डैश मिल गया। मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, मतलब पैसे जो तुम कमा रही हो वह वेस्ट नहीं होने चाहिए। लिटिल मनी, द लिटिल मनी, द फ्यू मनी और फ्यू मनी, व्हाट विल बी राइट आंसर, बताएं। ध्यान से देखिएगा, लिटिल का प्रयोग, ठीक है,
लिटिल का प्रयोग और अ लिटिल का प्रयोग तथा द लिटिल का प्रयोग, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपसे बताया है कि मनी अनकाउंटेबल होता है, जब आप उसको, जब भी आप डिजिट लिख देते हो 10 रुपये, 20 रुपये, 2 करोड़, 3 करोड़, तब ये आप उसको एक जो है नंबर, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे करके उसको आप उसको काउंटेबल बना देते हो, बट ओवरऑल मनी की गिनती नहीं की जा सकती, वो अनकाउंटेबल। ओके, तो इसलिए अ लिटिल और लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। वहीं पर आप देखिए, अगर आप बात करेंगे फ्यू की और अ फ्यू की तथा द फ्यू की, तो इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, विच यू कैन काउंट, ठीक है, काउंटेबल नाउन। तो आप यहाँ पर जैसे द फ्यू बॉयज़, द फ्यू गर्ल्स, द फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू बर्ड्स, इस तरीके से काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, ठीक है, देखिएगा। बट लिटिल और फ्यू का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, मतलब ना के बराबर, एकदम ना के बराबर के सेंस में। यहाँ पर कभी भी अगर आपको फ्यू मिले और लिटिल मिले तो इसका मतलब नगण्य, एकदम ना के बराबर, ठीक ना। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, द लगाएं, अ फ्यू, द फ्यू, कौन वाला फ्यू लगाएं या लिटिल कौन वाला लगाएं, बट आपको ध्यान रखना होगा सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव है निगेटिव है। तो बताइए, यहाँ पर कह रहा है जो कुछ भी पैसे तुम कमा रहे हो शुड नॉट बी वेस्टेड, यानी कि जो कुछ, यानी थोड़े पैसे, ठीक है, अब थोड़े में भी ना के बराबर का तो सेंस नहीं आ रहा है, जब ना के बराबर आप कमाते तो कैसे खर्च नहीं होते, तो यहाँ पर सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। और मनी के लिए द फ्यू फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, द लिटिल मतलब जो कुछ भी है थोड़ा, ठीक है, जो कुछ भी है थोड़ा, ऐसे सेंस में आप यूज़ करेंगे द लिटिल मनी, मतलब जो कुछ भी है, सफिशियंट हो चाहे ना हो, बट द लिटिल मनी मतलब जो कुछ भी है उसके लिए शुड नॉट बी वेस्टेड। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे। शी नॉट ओनली केम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स, बताइएगा। पहला ऑप्शन है नॉट ओनली नॉट कम टू सी, दूसरा है नॉट कम टू सी, थर्ड है केम नॉट ओनली टू सी, और फोर्थ है केम टू सी नॉट ओनली, बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि जब कभी भी नॉट ओनली आए तो बट आल्सो उसके साथ आता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, बट आल्सो उसके साथ आता है नॉट ओनली के साथ। बट आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग क्या सही जगह हुआ है। अब आपको जब ऑप्शन मिल रहा है कि नॉट ओनली केम टू सी, इतने को आपको रिप्लेस करना है, ठीक ना, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बट आल्सो को ही क्यों ना चेंज कर दूँ। उसने बाध्यकारी कर दिया है आपको कि आपको जिसको अंडरलाइन किया गया उसी को चेंज करना है। अब आप बट आल्सो को देखें, क्या बट आल्सो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट या वर्ब के पहले यूज़ हुआ है, तो आपको मिल रहा है कि बट आल्सो का प्रयोग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जो है पहले हुआ है बट आल्सो का प्रयोग, तब आप नॉट ओनली का प्रयोग भी टू सी के पहले करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, जब कभी भी आइदर आर, नाइदर ना और नॉट ओनली बट आल्सो कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो क्लॉज को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो जिसके साथ लगे वो बराबर लगते हैं, जैसे आइदर यू और योर सिस्टर, आइदर पहले लगा यू और योर सिस्टर के साथ लगा, लेकिन कह दिया जाए यू आइदर, तो और जो है योर सिस्टर के बाद लगेगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कि बट आल्सो टू टेक के पहले लगा है तो नॉट ओनली भी टू सी के पहले लगेगा। अब बनना चाहिए शी केम नॉट ओनली टू सी, ओके, बट आल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। अब बताइए, यानी कि वह तुमसे ही मिलने नहीं आई, शी नॉट ओनली केम टू, ये गलत है, तो आप करोगे शी केम नॉट ओनली टू सी मी, मतलब मुझसे मिलने मुझे देखने नहीं आई, बल्कि उसने क्या और सोचा कि मैं उस तुम्हारी किताबें भी पुरानी वाली ले जाऊंगी, तो शी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर,
ठीक है, अपनी किताबें, हर आपका शी के लिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर शी के लिए हर आ रहा है, तो वह अपनी किताबें, पुरानी किताबें ले जाने भी आई, तो मुझसे मिलने भी आई और उसका किताब अपनी वापस लेना ले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर यही सेंटेंस आपका, ये जो बट आल्सो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट के पहले होता, सब्जेक्ट के बाद होता, तो आपको नॉट ओनली भी उसी प्रकार से यूज़ करना होता। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 11th में आप देखिएगा केम नॉट ओनली टू सी किस ऑप्शन में है, तो केम नॉट ओनली टू सी, तो सी ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, शी केम नॉट ओनली टू सी, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन वाले बच्चे करेक्ट हैं। ध्यान करिएगा, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, यदि सब्जेक्ट के साथ आएगा तो दोनों सब्जेक्ट के साथ ही, वर्ब के साथ आएगा तो वर्ब के साथ ही, जिसके साथ आएगा दोनों एक अलग अलग क्लॉज में एक स्टाइल से फॉलो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। हार्डली हैड शी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, बताएं। हार्डली, स्कार्सली, ये सब नो सूनर, ये सब मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत बढ़िया से रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, स्कोर को गेन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, एक सफल इंसान के रूप में बने और समाज में उभर कर आएँ, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही सब कुछ कर सकता है और ज्ञान मेहनत से ही आता है ना। आप बताएंगे हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन देन, अब इस देन को रिप्लेस करना है, आपको बताया गया है ना कि हार्डली, बिल्कुल सही, जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका करेक्ट है। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के बाद, ठीक ना, हमेशा वैन आता है, और वहीं अगर नो सूनर की बात करें, नो सूनर, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। ओके, तो आपको मिल गया ना व्हेन आंसर, बी ऑप्शन। ओके, ध्यान रख लीजिएगा, याद से याद कर लीजिए, बहुत आसान है। अगर आपको पता है हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, तो आपने एक नंबर जो है प्लस में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, आइडियम्स एंड फ्रेजेस के, लगातार मुझे लगता है मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस दिए हैं। गो टू द डॉक्स का मीन्स क्या होगा, टू ब्राइब समवन, टू अवॉइड, टू बी रुइंड और टू मीट सडन सक्सेस। कई बार आप कहते हो ना जाओ तुम कुत्ते की मौत मरो, या आप कहते हो ना भाड़ में जाओ, जाओ तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम नष्ट हो जाओ, कुछ ऐसी बातें आप जो है गुस्से में बोल देते हो या आसपास सुनने को मिलती है। ठीक ना, तो गो टू द डॉग्स का मतलब ये नहीं कि कुत्तों के पास जाओ। ओके, ब्राइब समवन नहीं होगा, अवॉइड भी नहीं होगा, टू बी रुइंड इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही, जो बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, टू बी रुइंड उन बच्चों का करेक्ट है। ठीक ना, और आपका डी भी नहीं होगा, तो नोट से नोट का और याद से नोट डाउन कर लें, गो टू द डॉग मीन्स टू बी रुइंड, यानी बर्बाद हो जाना। ओके, डिस्ट्रॉय हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, हेड एंड शोल्डर्स का क्या मतलब है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू सभी बच्चे लगाते होंगे ना, आई मीन टू से जिसको भी पसंद होगा, डैंड्रफ, नो डैंड्रफ, डैंड्रफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इस हेड एंड शोल्डर शैम्पू का यूज़ होता है, मतलब प्रचार आता है, बताएंगे। तो हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है बताइए, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इनफीरियर, गेट इन टू ट्रबल या सुपीरियर, बताइएगा। आइडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको एक दिन में लर्न नहीं होता है, ये प्रैक्टिस पे ही आपको आसान बना सकते हैं इसको। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आर्ट ऑफ स्पीकिंग के लिए गिफ्ट ऑफ द गैप यूज़ होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स कहे तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बहुत लोग होते हैं ना बातों के जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आर्ट ऑफ स्पीकिंग होगा। और जब आप जो है आपका कह सकते हैं आपको नुकसान हो जाएगा तब आपको अकल आएगी, तो नुकसान हो चुका ना, तो ऐसे जो है व्यक्ति को गिफ्ट ऑफ द गैप बोला जाता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसके पास हो। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इन्फीरियर भी नहीं होगा, गेट इन टू ट्रबल तो है हम इसके लिए बनाए ना कि हॉट वाटर में जाना या फिश आउट ऑफ वाटर, सुपीरियर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
हेड एंड शोल्डर मतलब सुपीरियर, तो मुझे लगता है शैम्पू से कोरिलेट करेंगे आप तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार से बच्चे लर्न कर लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर, हार्ड एंड फास्ट, बताइएगा इसका मीन्स क्या होता है। रिमेन अनसॉल्व्ड, डिफिकल्ट सिचुएशन, स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव, मिलता जुलता ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। बट आपको याद रखना होगा हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई भी व्यक्ति स्ट्रिक्ट मिजाज का हो, ठीक है, कहते नहीं सख्त है, तो आप इसके लिए सी ऑप्शन को चुने। रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, डिफिकल्ट सिचुएशन और अग्रेसिव मतलब होता है ना कि बहुत गुस्सैल मिजाज का या आक्रमण वाला, कहते ना अग्रेसिव है, कभी भी गुस्से से कोई चीज़ पटक सकता है या मतलब झक झक लग जाती है इस टाइप का, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन, हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट मिजाज का इंसान, सख्त मिजाज का। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर, ग्रेट हैंड का क्या मीनिंग है। बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना, या एक्सपोर्ट होना, वेरी डिफिकल्ट होना, या साउंड, बताइए बच्चों क्या करेक्ट करेंगे आप। ग्रेट हैंड का क्या मीनिंग है, मीनिंग तो पॉजिटिव जा रही है ना, ग्रेट हैंड शानदार हाथ, महान हाथ, तो जब आप देख पा रहे हो कि मीनिंग पॉजिटिव जा रही है, बिल्कुल सही। जो बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट यानी कि अनुभवी मास्टर इंसान, दैट इज कॉल्ड ग्रेट हैंड, ठीक ना। बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेट हैंड मतलब एक्सपर्ट। बिकम बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, वेरी डिफिकल्ट तो बात तो निगेटिव मीनिंग की निकली, साउंड बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। 17 वाला देखेंगे, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा इंसान, तीन प्रकार के व्यक्ति धरती पर हैं मौजूद जो आपके आसपास मिल जाएंगे। एक ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हो, उनको कहते हैं थेइस्ट, ऐसा इंसान जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसको थेइस्ट बोलते हैं। इसको थीस्ट भी बहुत लोग पढ़ सकते हैं, बट मैं थेइस्ट इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मुझे स्पेलिंग लर्न रहे, क्योंकि स्पेलिंग एग्ज़ाम में आ जाता है और वहाँ ई आई और आई ई में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से पढ़ती हूँ खुद भी और बच्चों को भी बताती हूँ कि थीस्ट आप पढ़ लो ठीक है, बट जब आप स्पेलिंग की बारी आए तो जब आप अपना एक प्रोनंसिएशन बनाए रहोगे तो आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। बताइएगा, ये सब जो छोटे मोटे चीज़ें मैंने सीख रखी है मैं आपको सिखाती हूँ, आपको कैसा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर बताया करें, ठीक है, क्या कुछ नया सीखने को मिला। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक मिजाज का इंसान, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ओके, या गॉड्स एग्जिस्टेंस, जिसको लगता है ईश्वर हमारे आस पास हैं, ईश्वर हैं और भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा, आस्तिक मिजाज का इंसान। एक होते हैं जो कहते हैं देयर इज नो गॉड, मतलब भगवान ही नहीं है, हमारा कर्म ही सब कुछ है, नास्तिक मिजाज के इंसान, तो उसको एथिस्ट कहते हैं। बट आपको मिल जाएंगे, एक होते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी इसको हिंदी में बोलते हैं, अज्ञेयवादी का मतलब आप ध्यान करें मतलब जो श्योर ही नहीं है भगवान है कि नहीं है, कभी कहेंगे हाँ कभी कहेंगे ना, दैट पर्सन इज कॉल्ड अज्ञेयवादी इन हिंदी, बट इन इंग्लिश एग्नोस्टिक, ठीक है। तो भगवान के अस्तित्व को के लिए श्योर ही ना हो है कि नहीं है। और पैंथेइस्ट आप जानते हो, कड़ कड़ में भगवान है ना, हम में भी आप में भी पशु पक्षी में भी, ऐसे मिजाज के इंसान को पैंथेइस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, थीस्ट मतलब नास्तिक। और यहाँ पर नास्तिक और एग्नोस्टिक में, यानी अथीस्ट और एग्नोस्टिक में आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट यहाँ पे कह रहा है हु इज नॉट श्योर, अगर ये कहता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी भगवान के अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखता, तो आप नास्तिक कह देते, बट कह रहा है श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों समझ में आया होगा,
क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, या गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, ठीक है, ऐसी लड़की या ऐसी महिला जो है सिर्फ पुरुषों से क्या करती है, फ्लर्ट करती है, मतलब टाइम पास या काम चलाना या मस्ती मजाक ही करते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, ऐसे लोगों के लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना है, ठीक ना, कि बस खाली समय बिताना और आगे चले जाना, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ मस्ती मजाक करने का टाइम नहीं है, प्लीज़ आप ध्यान से बात को समझें, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको ये स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा ना, आपके मन में थोड़ा हंसी मजाक मस्ती आ रही होगी, बट किसी भी प्रकार से आपको लर्न करना होगा। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, है ना, और एग्ज़ाम में इसकी स्पेलिंग भी आई है, PEDESTRAIN, ठीक है, TRIAN, ट्रियन, ट्रियन अब मैं पढ़ भी रही हूँ मैं तो, पेडेस्ट्रियन यानी TRIAN मतलब पैदल यात्री, अ पर्सन हु ऑलवेज गोज ऑन फुट, यानी पैदल ही चले, किसी के दो पहिया चार पहिया का सहारा न ले। हॉनोरेरी मतलब सम्मान का पद, पैसे ना मिले सम्मान भरपूर मिले। कोक्विट, ऐसे शब्द के, ऐसे जो है लड़कियों को कोक्विट कहा जाता है, मतलब जो सिर्फ फ्लर्ट करती हैं पुरुषों से। कैनिबल मतलब मानव भक्षी, अ पर्सन हु फ्लैश ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी मानव भक्षी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, चारों आपको याद हो गया होगा, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं, बाकी बच्चे लर्न कर लें, है ना। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, अ पर्सन हु ऑलवेज गोज ऑन फुट। हॉनरेरी मतलब होता है नो सैलरी बट रिस्पेक्ट का पद मिलेगा। कोक्विट इसी का आंसर है, और कैनिबल मतलब अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे, अ मैटर रिटन बाय हैंड, हाथ हस्तलिपि, पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत पढ़े होंगे ना इतिहास वाले बच्चे, है ना, कि इतिहास पढ़ने के बहुत सारे साक्ष्य हैं, एक साक्ष्य में से एक है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिपि या हस्तलिखित चीज़ें, या क्या कह सकते हैं आप, पांडुलिपि। और एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार, यानी कि कॉन्क्लूजन ऑफ द प्ले। प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले, और बायोग्राफी मने जीवनी होती है, ठीक है, ये हाथों से भी लिखी जाती थी पहले, बट अभी क्या होती है, पब्लिश हो जाती है। बट मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ जो हाथ से मैटर होता है, दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, अ प्लेस वेयर पिक्स आर केप्ट, ये बहुत मतलब थोड़ा सा आपको अलग सा मिलेगा, बट क्वेश्चन पूछता है ना, सिंगुलर का, प्लूरल का, वर्ड फॉर्मेशन का, वर्ड को पहचानने का, कौन के बेबी को क्या कहते हैं, और कौन कहाँ रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, आपको बहुत बचकाना सा प्रश्न लगेगा, बट एग्ज़ाम्स में पूछता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखिए मैंने बनाया है आपके लिए, अ प्लेस वेयर पिक्स आर केप्ट, तो स्टेबल, स्टाई, कैनल, स्कलरी, क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्टाई और केनल या स्कलरी, क्या करेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा, दीज आर फोर ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, स्टेबल मतलब होता है ना अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल हिंदी में बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता शब्द स्टेबल इंग्लिश में है। केनल मतलब अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहाँ कुत्ते रखे जाते हैं, कुत्तों के रखने का, या मतलब आप जहाँ से खरीद के लाते हैं या जहाँ उनको पाला पोसा जाता है, दैट इज कॉल्ड केनल। स्कलरी तो आपके जो है घर का ही हिस्सा है, जहाँ पर किचन में आपने प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स, अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर केप्ट, दैट इज, और वॉश्ड अप, दैट इज कॉल्ड स्कलरी, है ना, जहाँ पे आप प्लेट और कटोरे, बर्तन और भी बड़े बड़े छोटे छोटे बर्तन को धुलते और मांजते हैं, सबके यहाँ है, तो ये आपका गलत हो गया। स्टी या स्टाई आप इसको बोलेंगे, स्टाई, तो इसका मतलब जहाँ पर पिग्स आर केप्ट, यानी सुअर को पाला जाता है। अमेरिका वगैरह में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना कि सुअरों को पाला जाता है, उन्हें मक्का खिलाया जाता है, पूरी दुनिया में अमेरिका ही मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, और वहाँ उनको मतलब काटा जाता है और पूरी दुनिया में उनको सप्लाई किया जाता है, तो ये सब आप किसी भी प्रकार से याद कर लें, स्टाई है,
ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। अ सेक्शन ऑफ हेयर, हेयर, हेयर के सेक्शन को यानी समूह को क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं, हर्ड कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, बीवी कहते हैं, बताइएगा। पहला कह रहा है लॉक, तो बिल्कुल सही बच्चों, लॉक ही कहा जाता है, ठीक है। चाहे लट कहें, चाहे चोटी कहें, बालों का एक पूरा समूह क्या कहलाता है? लॉक कहलाता है। और हर्ड तो जानवरों के समूह को कहते हैं, शिप्स को, गोट, शिप को, गोट को, एलिफेंट को। ग्रुप तो इंसानों के कहते हैं। बीवी मतलब होता है लड़कियों या महिलाओं का ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन, और कौन वाली जो इकट्ठा होकर के बातें करती हैं, उनके लिए बीवी लगा हुआ है, ठीक है। जो सिर्फ झुंड में बैठ करके बातें करेंगी, इनके लिए कलेक्टिव नाउन बीवी बना हुआ है। तो इसको आप किसी भी प्रकार से लर्न कर लें, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप इसको किसी भी प्रकार से लर्न करें, बट फ्रेंड्स लर्न करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। चूज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। वाइफ का वाइफ्स बनेगा, ये सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, ध्यान रख लें। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये वाला सिंगुलर, ये वाला प्लूरल। तो वाइफ का सिंगुलर वाइफ्स बनेगा प्लूरल, या वोल्फ सिंगुलर है वोल्फ्स बनेगा प्लूरल, या थीफ का सिंगुलर है थीफ्स बनेगा प्लूरल, लोफ है लोफ्स बनेगा, बताइएगा कौन सा इसमें गलत है। ऑड वन मतलब इनकरेक्ट, तो वाइफ का वाइफ्स बनता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। और वोल्फ का वोल्फ्स भी बनता है, यह भी करेक्ट है। और सी भी देख लें, थीफ का थीफ्स बनता है, बट लोफ मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, इसका जो है एल ओ वी ई एस आप लिखेंगे, ठीक है। भले ही आपको देखने में ये लफ्स लग रहा हो, ठीक ना, बट आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि ये आपका एल ओ ए, एल ओ ए वी ई एस, ठीक है, लोफ, एल ओ ए वी ई एस, लोफ्स, ठीक है। तो लोफ्स आपको, लोफ का प्लूरल लोफ्स हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिएगा, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। किसी भी सेंटेंस के अंत में ई एफ हो, एफ एफ हो, या एफ ई हो, या अकेले एफ हो, तब उसका प्लूरल बनाते समय वी ई एस कर देते हैं। जैसे वाइफ का वाइफ्स हो गया, वोल्फ का वोल्फ्स, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, लाइफ का लाइफ्स हो जाता है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन है। एवरी वन हैज़ फीलिंग्स, यहाँ पर आपको चेंज करना है इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में। हर किसी के पास फीलिंग्स होती है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन ब्रैकेट में मिला है, किस स्टाइल से चेंज करेंगे कि आपका मीनिंग ना चेंज हो, ठीक है। आप आंसर करते जाएं, मुझे दिख रहा है सारा आंसर। पहला ऑप्शन देख लें, नो वन हैज़ फीलिंग्स। दूसरा ऑप्शन है एवरी वन हैज़ नॉट फीलिंग्स। थर्ड है देयर इज़ नो मैन हु हैज़ नो फीलिंग्स। और लास्ट है देयर इज़ नो वन हु हैज़ फीलिंग्स। बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को यही कहते हैं कि मीनिंग ना चेंज हो, ठीक है। पैटर्न चेंज हो सकता है, हर किसी के पास फीलिंग है, आपको इसी को करना है चेंज। अब आप देखिएगा कि पहले में कह रहा है नो वन हैज़ फीलिंग्स, तो यहाँ पर तो कह रहा है किसी के पास फीलिंग नहीं है, जस्ट अपोजिट कर दिया। दूसरा देख लें, एवरी वन हैज़ नॉट फीलिंग्स, यह भी उलट दिया। एवरी वन का उल्टा नो वन होता है या नो मैन होता है। देयर इज़ नो मैन हु हैज़ नो फीलिंग्स, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास फीलिंग्स ना हो। तो यही तो आपका कंप्लीट कर रहा है कि हर आदमी के पास फीलिंग्स है। और लास्ट में देखिए, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास फीलिंग्स हो, तो ये मीनिंग निकल रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो 23 का डी करेक्ट होगा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेज इंटू वन सिंपल सेंटेंस। दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं और उसको आपको एक बनाना है, ठीक ना। ही हर्ड द न्यूज़, और यहाँ पर ही फेंटेड आपका ये कंप्लीट है। यहाँ पर जी लिखा गया है, बट आपको ही समझना होगा,
ही फेंटेड, पहला देख लें बींग अ न्यूज। अब आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस होता क्या है, तो सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसका फाइनाइट वर्ब होता है, यानी फाइनाइट वर्ब क्या होता है जो अपने सेंटेंस के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब इन इंग्लिश। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में कह रहा है कि उसने समाचार सुना वह बेहोश हो गया, तो समाचार सुनकर बेहोश हो गया, तो समाचार होने के नाते वह बेहोश हो गया, ये गलत हो गया। और देखिए बी ऑप्शन में बिकॉज कंजक्शन लग गया है, कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में बिकॉज है लगता है। और तीसरा देखिए सो लग गया है, सो कंपाउंड में लगता है, ठीक है, तो जब सो कंपाउंड में लगता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स में लगता है, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है डी, ऑन हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड, समाचार सुनने पर वह बेहोश हो गया, समाचार सुनकर बेहोश हो गया। इस तरीके से आपने देखे यहाँ पर ही फेंटेड ही सब्जेक्ट है, फेंटेड इसका फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। क्वेश्चन नंबर 25, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इन टू वन सिंपल सेंटेंस, तो आपको अलग अलग सिंपल सेंटेंस दिए हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन देख लें, पहले सेंटेंस पढ़े, ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है, ही कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, तुम्हारे ट्रिक्स को वह जान लेगा। बताएं बींग वेरी क्लेवर, ही कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, ये करेक्ट है, या एज ही इज क्लेवर ही कैन सी, तो एज आ गया, तो देखिए ये तो एज आपका कॉम्प्लेक्स में आता है, आपको सिंपल ढूंढना है। और आपका सी ऑप्शन भी कंपाउंड बता रहा है, सो मिल गया। और आपका डी देखिए सिंस भी कॉम्प्लेक्स में आता है, तो आपने कुछ करना ही नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बींग वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक होने के नाते तुम्हारे सारे ट्रिक्स को वह जान लेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से अपने आंसर को जोड़ लें, बताएं कितने आपके करेक्ट हुए, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आप अपने स्कोर बताएं और आप अपने अनुभव साझा करें। क्लासेज आपको कैसी लग रही है बताते चलें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर से ज़रूर लिखकर भेजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स अ लॉट।